ऑफिस में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग हैं श्री सूर्यकांत जलान कानो भाई जी के साथ, जो ओनर हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक बिजनेसमैन हैं और एक बहुत बड़े समाजसेवी हैं वाराणसी के। और साथ में हमारे मौजूद हैं श्री विजय तिवारी जी, जो प्रेसिडेंट हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर सिंगल जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और हमारे साथ कैमरामैन राहुल कुमार सिंह भी मौजूद हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि गाय को लेके, फॉरेस्ट को लेके, इन पहाड़ों को लेके और आदिवासी लोगों को लेके, और जो आपका बिजनेस है इसमें एक सामंजस्य बढ़ा के एक आगे बढ़ना, वो किस तरीके से आप इस चीजों को मैनेज कर पाते हैं? धन्यवाद मनोज जी। जैसे आपने पूछा, हम लोग एक वनवासी क्षेत्र से आते हैं और वनवासी क्षेत्र में जन्म होने के कारण, वहां पले बड़े होने के कारण, ये तो कोई विशेष बात नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के संकल्प की सोच है, यदि उसका सोच रहता है कि हमको वनवासी क्षेत्र में रहना है और वनवासी क्षेत्र के साथ साथ हमको आज के जो, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सभ्यता के बीच में या शहरी नगरी सभ्यता में रहना है, तो उसके साथ तालमेल बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह से मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं, मैं सुबह उठता हूँ, फिर कुछ बच्चों के साथ बैठता हूँ, फिर गायों के पास जाता हूँ, फिर कुछ खेत में काम करता हूँ, फिर दुकान चला जाता हूँ, फिर वहां से उठ के फिर आपके साथ यहाँ आ गया। तो इसमें तो मेरे को तो कोई विशेष बात या इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। सर, जो ये सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हैं, इतनी आसान तो नहीं रही होंगी शुरू में चीजों को मैनेज करना, तो आपने इनकी कैसे ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग की हम बात कहें, अपने आपको कैसे एस्टेब्लिश किया इस दौर में? मनोज जी, इसमें कोई, इसके शुरू में भी कोई कठिनाई नहीं थी और आज भी कोई कठिनाई नहीं है और आगे भी कोई कठिनाई नहीं है। मैंने, हम लोग गीता जी के कर्म सिद्धांत पर करते हैं कि हमारा काम कर्म करना है, फल भगवान स्वतः देता है, और हम समाज सेवा में लगे हुए लोग या सामाजिक कार्यों में लगे हुए लोग, हम सेवा तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हम किसी के उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने आनंद के लिए काम करते हैं, और इस काम में हम लोग को जो आनंद होता है उसका कोई मूल्य किसी भी पैसे में या किसी प्राइस में इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका मूल्य आनंद में है और इस आनंद को हम लोग बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं, हमें कभी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम वनवासी क्षेत्र के लोगों में धैर्य बहुत होता है और हम धैर्य के साथ धीरे धीरे, हमको पता है कि हम जब कोई काम करेंगे तो अपने धार्मिक ग्रंथों में वो युग की बात बहुत आती है, जब भी हम कहीं काम शुरू करते हैं तो 12 वर्ष के पहले हम कोई परिणाम की उम्मीद नहीं करते हैं। जिस क्षेत्र में बैठे हम 2008 से काम कर रहे हैं और आज 2019 है, 11 वर्ष सिर्फ इस काम में हुआ। आप देखिए, 11 वर्ष में इसमें एक करीब 16-17 हजार पेड़ लग गए, पेड़ चल रहे हैं। यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, वाटरशेड पर काम किया तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना पानी रुका है। गत वर्ष जो हमने पानी रोका था वो फरवरी तक था, तो हमारी खरीफ और जायद की फसल तो उससे हो जा रही है, रवि की। जायद की यहाँ कल्पना नहीं है, लेकिन कालांतर में हम जायद की फसल भी कर पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, गायें हैं, हमने तो समाज द्वारा उपेक्षित, नगर पालिका द्वारा मैंने आवारा कहे जाने वाले पशु या किसानों के घर में बोझ समझे जाने वाले गोवंश को हमने रखा, और आज देखिए इनसे 80 लीटर दूध है। आपने जो भोजन किया ये भी गाय के घी से बना था, अभी आपके साथ ये लोग गाय का घी हमको दे भी रहे हैं कि हम इसको ले जाके मार्केटिंग करें ताकि इनके थोड़े बहुत खर्चे इससे निकल सके। सब्जियां आप देख रहे हैं, इतनी तरह की सब्जियां यहाँ है, ये तो हमारा क्षेत्र, हम यहाँ मूल्य की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी महानगर में ये सब्जियां जाए तो 50 रूपये किलो में भी ये सस्ती फैलाएगी। सर, जैसे कि हमने देखा आपका बिजनेस जो है वो तो वाराणसी में एस्टेब्लिश है, लेकिन जो आपका सामाजिक कार्य देखा जाए तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज्यादा ही सामाजिक कार्यों के लेकर आपका इंटरेस्ट है, तो हम मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमें पता लगा कि काफी वनवासी एरिया है, जंगली एरिया है और थोड़ा पिछड़ा भी डिस्ट्रिक्ट है ये, तो
जो हम आपकी जो आपकी सारी स्कीम्स चल रही है, मतलब स्कीम इन द सेंस जो बिजनेस है आपका और ये जो सोशल मूवमेंट है, इसको कैसे लेके या सरकार को साथ में लेके इसको कैसे एक आदर्श जिला बनाने की हम कुछ परिकल्पना कर सकते हैं या कुछ कोशिश कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही पूछा। व्यापार क्षेत्र वाराणसी में, क्योंकि व्यापार की संभावना वाराणसी में ज्यादा है और हम लोग धार्मिक भावना से दादाजी के समय से ही काशी खंड छोड़कर नहीं जाएंगे, तो हम काशी में रह रहे हैं, काशी में व्यापार कर रहे हैं, वहां व्यापार की संभावना अधिक है। लेकिन कार्य की दृष्टि से मिर्जापुर में ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ 80% रेवेन्यू की जमीन है, सरकारी जमीन है, जो वन क्षेत्र तो कहलाता है लेकिन वन बिल्कुल नगण्य रह गया। कभी यहाँ घने जंगल होते थे, जंगली जानवर होते थे, जानवरों की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई। फिर यहाँ मिर्जापुर सोनभद्र का जो विभाजन हुआ तो जो उद्योग धंधे लगे थे वो सब सोनभद्र में चले गए, तो मिर्जापुर खाली जिला हो गया। यहाँ की आज के दिन भी 40% से ज्यादा आबादी वनवासी क्षेत्र में है और ये वनवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ काम की आवश्यकता ज्यादा है। मेरा स्वयं का भी जन्म एक वनवासी क्षेत्र में हुआ और हमने वनवासियों की कठिनाइयों को बहुत नजदीक से देखा, अनुभव किया, समझा। जिस गांव में मैं जन्मा उस गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है, हमको कुएं से ही पानी लेकर करना होता है। समय समय पर अकाल पड़ते हैं, कुएं में पानी खत्म हो जाता है, वहां वर्षा आधारित कृषि है, तो ये सारी चीजों का जो बचपन का अनुभव था और आज जो हमारा कार्य क्षेत्र दोनों को है। हम ऐसा मानते हैं कि मिर्जापुर का राजगढ़, हलिया, लालगंज ये जो ब्लॉक है बिल्कुल वनवासी ब्लॉक है, पिछड़े ब्लॉक है, इसमें सघन रूप से काम करना। अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों को देख रहे थे, तो ग्राम विकास के बहुत छोटे छोटे काम के भी बड़े बड़े परिणाम आते हैं। जैसे जिस विकास खंड को हमने लिया उसके न्याय पंचायत के हर ग्राम पंचायत के कम से कम 2 लड़के और 2 लड़कियों को पढ़ाने का लक्ष्य है, उनको लाएंगे अपने छात्रावास में पढ़ाएंगे और किताबी शिक्षा के साथ साथ उनको कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, जल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन जिसको हम वाटर शेड पर काम करना कहते हैं, सॉइल मैनेजमेंट कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, इस काम से हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक उसी प्रकार हम बदमाशी लोगों के बीच में रखते हैं कि तुम हमें पानी जितना संग्रह करके दोगे हम उतना उसको पानी को दूध में और फल सब्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान आता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, इसका देश में क्या असर होगा, इसका विश्व पर क्या असर होगा। तो देश की दृष्टि से हम लोग 2 बात सोचते हैं, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं स्थानीय दृष्टि से उस क्षेत्र में किसी को भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा का अभाव न हो, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और हमारे मित्रों की और हमारी संस्था की विशेषता ये भी है, विशेषता अपने मुंह से तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन हमने कभी किसी को भीख नहीं दिया और न देने के संकल्प के साथ ही हम काम कर रहे हैं। उनके संभावनाओं को उनके स्थानीय साधनों के आधार पर रोटी, कपड़ा, मकान सब जुटा रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था समाज और सरकार के सहयोग से चल रही है। फिर इसका आगे देश के लिए क्या होगा, तो देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए 0.5 लीटर दूध हो, 0.5 किलो हरी सब्जी हो और 0.5 किलो फल हो। ये उत्पादन बिक्रय के लिए नहीं, विदेश में भेजने के लिए नहीं, ये हमारे उपयोग के लिए, हमारे साथ रहने वाले हर कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि दिन भर में 0.5 लीटर दूध पिए, 0.5 किलो फल खाए, 0.5 किलो हरी सब्जी खाए, ताकि उसका शारीरिक स्वस्थ रहेगा तो मानसिक स्वस्थ भी रहेगा। और ये गांधी ने कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो उगाओ और जो तुम्हारे यहां उगता उसमें खाओ। आपने भोजन किया था, भोजन में देखिए सब्जी की मात्रा बहुत थी, आपने कहा भी इतनी सब्जियां क्यों बनाए, बोले हमारे यहां सब्जी ज्यादा इसलिए सब्जी बनाए। हम आपको चाउमीन और मैगी नहीं खिला रहे, हमने तो आपको सब्जियां खिलाई,
जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, मन भी अच्छा रहेगा और देश की अर्थशास्त्र भी, किसी से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और जीडीपी हमारी आर्थिक के साथ साथ हैप्पीनेस पे भी रहेगी कि प्रसन्नता ही आनंद ही जीवन का हमारी जीडीपी होगी। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि आपने हमने जो गाय को लेकर काम किया है, चेक डैम को लेकर काम किया है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर जो काम किया है, ये आपने अपने खर्चे से पर्सनली किया है। अगर यही काम अगर जो हम सरकार के द्वारा, सरकार की जो एजेंसी करती है, तो जो हम ये बात करते हैं कि फंड रेज की, कि इसमें खर्चे का वो जो परसेंट तो कितना ज्यादा हो जाता है सरकार ये करती तो? देखिए सरकार की व्यवस्था अलग प्रकार की होती है। सरकार ने किसी उद्योगपति के द्वारा भी ये काम होता तो शायद इतना प्रभावी नहीं होता। हम वनवासी समाज के हैं और वनवासी समाज के साथ रहते हैं और वनवासियों के बीच में समरस होकर काम करते हैं। मैं एक पुरानी घटना बताऊं, विनोबा जी ने 6 समन्वय आश्रम बनाए देश भर में, देश की गरीबी दूर करने के लिए, देश की समस्याओं को ठीक करने की दृष्टि से। तो वहां पर बहुत प्रभावशाली और बहुत तपस्वी कार्यकर्ता गए, 6 महीने के बाद वो कार्यकर्ता वापस विनोबा जी के पास आए कि बाबा हम लोग तपस्वी भी हैं, इतना मेहनत लगाकर काम भी कर रहे हैं, फिर वे हमारे काम का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। विनोबा जी ने सहज उत्तर दिया, क्योंकि हर वनवासी को मालूम है जिस क्षेत्र में तुम काम करते हो कि महीने की पहली तारीख आएगा और तुम्हें 20 रूपये महीना तुम्हारे खाते में आ जाएगा। ये जो 20 रूपये महीने की तुम्हारी गारंटी है, ये तुम्हारे काम को प्रभावहीन बना रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम लोग इसको छोड़ दो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी ये स्थिति होगी, मैं उनके बीच में रहकर और मैं 20 रूपये की जगह 30 रूपये और 50 रूपये कमा सकूंगा तो तुम्हारे काम का प्रभाव हो जाएगा। और आप देखिए जिन कार्यकर्ताओं ने ये 20 रूपये महीना लेना छोड़ा, उन सबके काम प्रभावी हुए। एक बगल में उदाहरण है बोधगया का, समन्वय आश्रम जो बोधगया में विनोबा जी ने खड़ा किया, उस आश्रम में लोगों ने ये छोड़ा तो आज देखिए गया जो देश का सबसे कमजोर जिला था, आज उसकी स्थिति बहुत बेहतर होगी। और साथ ही गया में सब्जियों के दाम, पपीते के दाम, केले के दाम भी काफी कम हो गए, बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छे मिले। सर हमने जो तक रीड किया है, हम आपसे तो टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं, लेकिन जो हमने आपके सिस्टम को स्टडी किया, जो एम्प्लॉई हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे पूरे सिस्टम में, हमारे जो कमर्शियल हमारी चीजें हैं उनसे लेके जो हमारी सोशल चीजें उनमें, वो एक डेडिकेशन देखी हमने, वो एक आत्मा से काम का जुड़ाव देखा, सर वो आप कैसे लेके आ पाए उन सभी लोगों के अंदर जो डेडिकेशन है काम के प्रति? जी कुछ चीजें होती है, लाई नहीं जाती है, शायद उनको देखकर ये अच्छा लगता होगा और उन्हें ये लगता है कि ये जो सब काम हो रहा है ये हमारे ही भले के लिए और हमारे लिए ही हो रहा है, इसलिए उस काम को पूरे मनोयोग से वो करते हैं और हमको भी बहुत आनंद होता है उनके साथ, उनको भी शायद आनंद आता होगा इसलिए करते हैं। सर जो हमारे स्कूल रन होते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक के हमारे पास स्कूल हैं, जी जी, जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं उनकी को लेकर भी कुछ हमने प्लानिंग की हुई है उन बच्चों को भी? जी जिस स्थान पर हमें यहाँ एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट बनाना है, जिसमें आपका और आपके माध्यम से समाज का हम सहयोग चाहते हैं कि यहाँ उसके आगे की भी शिक्षा दें, क्योंकि अभी हमारी स्थिति वही है कि किसान की फसल तैयार होती है और काटने के लिए किसी और के वो छोड़ देते हैं। जी, जी। तो हम चाहते हैं कि, और आपने देखा कि अभी कुछ बच्चों की व्यवस्था तो हम कर पा रहे हैं, उनको हम अपने घर में अपने साथ भी रखते हैं, एक उनके लिए शहर में छात्रावास भी बनाया जिससे जाकर वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, काफी बच्चों को हॉस्टल भी मिल गया है, लेकिन बहनों के लिए ये सुविधा अभी हम नहीं कर पाए। हमारी बहुत जल्दी योजना है, बाबा विश्वनाथ से, माँ विंध्यवासिनी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको शक्ति दे जिससे कि हम बहनों के लिए भी ये सुविधा कर सके, माने मेरे से मतलब हम नहीं, हम सब मित्रों और हमारी संस्था ये कर सके। सर जो समाज के अंदर जो कुरीतियां फैल रही और खास करके जो बच्चे पढ़ लिख के जॉब नहीं मिल रही,
उनको आपके माध्यम से किस तरीके से हम एक संदेश दे सकते हैं कि जैसे रोजगार नहीं मिला तो आपको डाउन होने की जरूरत नहीं है, पूरा मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, और क्या हम उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं जो हमारी चीज चल रही है, इनको कैसे एक धर्म ला सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर? देखिए, इन बच्चों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना होगा। दो बातें समाज में बहुत चलती है, एक संकल्प होता है और एक अपेक्षा होता है। संकल्प अधूरा नहीं रहता और अपेक्षा पूरी नहीं होती। इन बच्चों की अपेक्षाएं मिटानी होगी, क्योंकि सरकार और सरकारी के नुमाइंदे, जिनको माने कहेंगे कि सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों ये सपना दिखा रहे हैं कि हम सबको काम दे देंगे। और मैं समझता हूं आज तक तो ये संभव हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सरकारें सबको काम नहीं दे सकती। सरकार को स्पष्ट एक संदेश देना होगा, समाज को ये समझना होगा, क्योंकि हम समाज में भी वही बात समझना चाहते हैं जो हमारे मनोनुकूल है। और भगवान ने गीता में ये कहा है कि जो तुम्हारे मनुकूल है ये मेरी कृपा का असर है, लेकिन हमारी विशेष कृपा का अवसर है कि जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है वो हमारे अनुकूल है, इसलिए उन पर मेरी कृपा ज्यादा बरसती है। तो सर, आप समाज में यही संदेश देने की जरूरत है, समाज को ये समझने की जरूरत है कि हम सबको नौकरी मिल नहीं सकती, हम सब एक स्केल पेमेंट पा नहीं सकते। हम सबसे ज्यादा अफसोस तो हमको होता है जब एमबीए के वे लड़के किसी नौकरी की लाइन में खड़े होते हैं। मैंने तो मास्टर डिग्री और जो एमबीए की डिग्री को ये समझा कि ये कुछ लोगों को काम देंगे, स्वयं के लिए भी अर्जन करेंगे और लोगों को अर्जन करने की विधा सिखाएंगे, लेकिन वो स्वयं भी नौकरी की लाइन में लगते और लोगों को अपने पीछे खड़ा करते तुम भी लग जाओ नौकरी की। सरकार को इसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, बंद कर देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी भी ये जो व्यवस्था है और ये जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हम बेरोजगारी भत्ता जो दे रहे हैं, इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, इस पूरे काम को खत्म करना पड़ेगा। सर, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो पेंशन जिनको मिलती है, उनको भी हमें लगता है कि उनको धर्म में आके आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि पेंशन तो उनको मिल रही है, एक तरह से उनको सैलरी ही मिल रही है, तो वो भी समाज को किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं या समाज को एक धारा में ला के काम कर सकते हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? इसको दो बातों से देखिए, आप किसी को उपदेश नहीं दे सकते हैं जी, और वाणी का उपदेश बहुत कोरा उपदेश होता है जी। आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो कुछ लोगों को खड़ा कीजिए जो उदाहरण बने और वो समाज के लिए कुछ करें। और आपने ये प्रयास किया भी है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपका आभारी हूं कि समाज में जो लोग कुछ विशेष कर रहे हैं, जिससे समाज जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, ऐसे लोगों को समाज में ज्यादा प्रमोट कीजिए, उनको देखकर ही लोग करेंगे। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, लेकिन प्रभाव तो अच्छी मुद्रा का ही रहेगा, बुरी मुद्रा तो कभी न कभी पकड़ी जाएगी और डिफॉल्ट होगी। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे हमारे एमपी हैं, उनको 5 करोड़ रुपया पर ईयर मिलता है, तो 5 करोड़ में देखा जाए तो एक एमपी के पास लगभग 25 करोड़ रुपया आता है, और लगभग 800 के आसपास एमपी हो जाते हैं। हमारे पास टोटल देखा जाए तो 400-500 करोड़ के आसपास उनके पास चीजें आती हैं हमारे एमपी के पास। क्या हम इस जो फंड आता है उनके पास, क्या हम कुछ एडवाइस गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, क्या कि जो फंड है इसको देखते हुए कि मार्केट से हम इसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स क्या काम कर सकते हैं, इस फंड को एज ए सिक्योरिटी रखा जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? इसको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री के लिए जी मानी एक अनार 1000 बीमार, 100 बीमार नहीं 1000 बीमार है, तो सबकी अपेक्षा होती है। हर परिवार, जैसे बोरी एक हैंडपंप की बात आती है, ये कहा गया कि एक महीने में एक हैंडपंप लगाओ, लेकिन हर परिवार चाहता है कि हमारे घर के आंगन के अंदर, दरवाजे भी नहीं, हमारे घर के आंगन में एक हैंडपंप लग जाए। खराब हो जाए तो हम बनवाना न पड़े, दूसरा एमपी आए और दूसरा हैंडपंप हमारे दरवाजे गड़वा दें। तो प्रभावशाली व्यक्तियों के, जिनके प्रभाव, जिनका मतदाताओं पर प्रभाव है और जिनका अन्य प्रकार का प्रभाव है, उनके घर लग जाता है और बाकी शेष लोग ताकते रहते हैं,
और एक विरोध बनता है। मुफ्त में मिलने वाली हर चीज का दुरुपयोग होगा और उसके लिए छीना झपटी चलती ही रहेगी, चलती आई है और चलती रहेगी, मेरा ऐसा मत है। सर, आपकी नजर में आपकी कमियां क्या क्या हैं? मेरी नजर में बड़ा कठिन क्वेश्चन। नहीं, ठीक है, आपने मेरे अंदर विशेषता क्या देखी? मैं तो एक कमियों का भंडार हूँ, मेरे को तो यही लगता है। मेरे अंदर कोई विशेषता पूछे तो शायद मैं बता पाऊं कि मेरे अंदर ये विशेषता है। कमियां तो इतनी है, अधिक बोलना, काम न करना, लोगों को उपदेश देना, जिसके लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, खुद दिन भर वही देता रहता हूँ। काम ना करने का रिजल्ट ये है, जिस दिन आप काम करेंगे तो उस दिन रिजल्ट क्या रहेगा? हाँ, जिस दिन लोग काम करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। आप काम करेंगे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं उसका श्रेय मैं जबरदस्ती दूसरे के काम। यदि मेरी एक कमी पूछे तो सबसे बड़ी कमी ये है कि काम लोग करते हैं उसका श्रेय लेने के लिए मैं आगे आ जाता हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी, और केवल कमी नहीं, ये जीवन का अपराध है। इसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। इसकी सजा आप हमको जल्दी जल्दी दे सके तो आपका उपकार होगा। सर, जैसे कि श्री विजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, ये प्रेसिडेंट हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जी जी। इनका जो नेटवर्क है मोर देन 125 देशों में है। जी जी। और बिजनेस ज्वाइंट वेंचर्स ग्लोबली जो हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो इस संस्था के साथ आपको कैसे जोड़ के चीजों को एक नेशनल एंड इंटरनेशनल हम क्या ब्रांडिंग कर सकते हैं? देखिए, तिवारी जी से मैं कभी अलग नहीं हूँ, और ये अलग मानते हैं तो ये इनकी सोच है, मैं तो इनके साथ एकदम जुड़ा हूँ, और हम दोनों के कॉमन गुरु, हम लोग तो गुरु भाई हैं। तो टाउरी जी के कारण हम लोग ये पूरे जुड़े हैं, समाज भी इससे जुड़ा है। आप प्रयत्न करके देखिए, भाग्य से ज्यादा और समय से पूर्व कभी किसी को कुछ मिला नहीं, तो हमारे प्रारंभ में यदि लोगों को जोड़ना है तो जुड़ेंगे। अभी काम की सफलता और आगे आने दीजिए, काम की सफलता आएगी और उसके कदम में हम लोग चल रहे हैं। हमारी सफलता हमसे कभी नहीं है, जैसे आपने देखा होगी ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर होता है, वकील होता है, पूरे जीवन परिश्रम करता है लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उसके परिश्रम का लाभ उसकी अगली पीढ़ियों को बहुत मिलता है। तो मेरी तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी सामने आ रही है, दूसरी तीसरी पीढ़ी में ये जब बच्चे आगे आएंगे तो दुनिया में अपने आप इसका परिवर्तन। ये तो हमने आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसकी बात करी, अब तक हम उस कानू भाई को देखना सुनना चाह रहे हैं जो बचपन से वो कठोर श्रम परिश्रम